श्री विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियों का वर्णन। पार्वती जी बोली, देवेश्वर, आप मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार के साथ बतलाइए। साथ ही ईश्वर के स्वरूप, गुण, विभूति, श्री विष्णु के परम धाम तथा व्यूह भेदों का भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, मैं परमात्मा के स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओं का वर्णन करता हूँ। भगवान के हाथ, पैर और नेत्र संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान में ही स्थित हैं। वे महर्षियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। वे लक्ष्मी के पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान है। वे नित्य तरुण किशोर विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी जी के साथ परम पद वैकुंठ धाम में विराजते हैं। वह परम धाम ही परम व्योम कहलाता है। परम व्योम ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और यह संपूर्ण जगत लीला करने के लिए। इस प्रकार भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि के रूप में श्री विष्णु की दो विभूतियां स्थित हैं। जब वे लीला का उपसंहार करते हैं तब भोग भूमि में उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और लीला दोनों को वे अपनी शक्ति से ही धारण करते हैं। भोग भूमि या परम धाम त्रिपाद विभूति से व्याप्त है, अर्थात भगवत विभूति के तीन अंशों में उसकी स्थिति है और इस लोक में जो कुछ भी है वह भगवान की पाद विभूति के अंतर्गत है। परमात्मा की त्रिपाद विभूति नित्य और पाद विभूति अनित्य है। परम धाम में भगवान का जो शुभ विग्रह विराजमान है वह नित्य है। वह कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे सनातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तरुणावस्था से सुशोभित रहता है। वहां भगवान को भगवती श्रीदेवी और भूदेवी के साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन माता लक्ष्मी भी नित्य रूपा हैं। वे श्री विष्णु से कभी पृथक नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती, श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त हैं। वे भगवान नारायण की शक्ति, संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली हैं। स्थावर जंगम रूप सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर ही निर्भर है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से ही हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेद से उनके दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपों से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप से वे ही लीलामय देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी होती हैं। ऐसे स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी श्री हरि के आश्रय में रहती हैं। संपूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जानने योग्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब श्री लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। स्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य, शील, सदाचार और सौभाग्य स्थित है वह सब लक्ष्मी का ही रूप है। पार्वती, भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष के पड़ने मात्र से ब्रह्मा, शिव, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया अर्थात क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोकनाभि अर्थात अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्वसुखप्रदा, रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी,
शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोहा अर्थात श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी अर्थात सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम विष्णोरनपगामिनी गंधद्वाराम दुरार्धर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहनये श्रियम। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली हैं, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार हैं, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्री देवी का मैं यहां आवाहन करता हूं। ऋग्वेद में कहे हुए इस मंत्र के द्वारा स्तुति करने पर महेश्वरी लक्ष्मी ने शिव आदि सभी देवताओं को सब प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था। श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी सनातन देवता हैं, वे ही इस जगत का शासन करती हैं। संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति उन्हीं के कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। अग्नि में रहने वाली प्रभा की भांति भगवती लक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में निवास करती हैं, वे भगवान विष्णु सबके ईश्वर परम शोभा संपन्न अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं। वे श्री नारायण वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, सबके स्वामी सुशील सुभग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य पूर्ण काम स्वभावतः सबके सुहृद सुखी दया सुधा के सागर समस्त देहधारियों के आश्रय स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले और भक्तों पर दया करने वाले हैं, उन श्री विष्णु को नमस्कार है। मैं संपूर्ण देश काल आदि अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान का दासत्व स्वीकार करता हूं। इस प्रकार स्वरूप का विचार करके सिद्धि प्राप्त पुरुष अनायास ही दास भाव को प्राप्त कर लेता है, यही पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है। इसको जानकर भगवान में भली भांति भक्ति करनी चाहिए। यह चराचर जगत भगवान का दास ही है। श्री नारायण इस जगत के स्वामी प्रभु ईश्वर भ्राता माता पिता बंधु निवास शरण और गति हैं। भगवान लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। वे ही जगदीश्वर शास्त्रों में निर्गुण कहे गए हैं। निर्गुण शब्द से यही बताया गया है कि भगवान प्रकृति जन्य हेय गुणों से रहित हैं। जहां वेदांत वाक्यों द्वारा प्रपंच का मिथ्यात्व बताया गया है और यह कहा गया है कि यह सारा दृश्यमान जगत अनित्य है, वहां भी ब्रह्मांड के प्राकृत रूप को ही नश्वर बताया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रूपों की ही अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है। महादेवी, इस कथन का तात्पर्य यह है कि लीला विहारी देवदेव श्री हरि की लीला के लिए ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। 14 भुवन 7 समुद्र 7 द्वीप 4 प्रकार के प्राणी तथा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भरा हुआ यह रमणीय ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर महान 10 आवरणों से घिरा हुआ है। कला काष्ठा आदि भेद से जो काल चक्र चल रहा है, उसी के द्वारा संसार की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। 1000 चतुर्युग व्यतीत होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतने ही बड़े दिन से 100 वर्षों की उनकी आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर सबका संहार हो जाता है। ब्रह्मांड के समस्त लोक कालाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्री विष्णु की प्रकृति में उनका लय हो जाता है। ब्रह्मांड और आवरण के समस्त भूत प्रकृति में लीन हो जाते हैं।
संपूर्ण जगत का आधार प्रकृति है और प्रकृति के आधार श्री हरि। प्रकृति के द्वारा ही भगवान सदा जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु ने लीला के लिए जगन्मयी माया की सृष्टि की है। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महाविद्या कहलाती है। सृष्टि, पालन और संहार का कारण भी वही है। वह सदा रहने वाली है। योग निद्रा और महामाया भी उसी के नाम है। प्रकृति सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है। उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लीला विहारी श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। संसार की उत्पत्ति और प्रलय सदा उसी से होते हैं। प्रकृति के स्थान असंख्य हैं, जो घोर अंधकार से पूर्ण है। प्रकृति से ऊपर की सीमा में विरजा नाम की नदी है, किंतु नीचे की ओर उस सनातनी प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। उसने स्थूल, सूक्ष्म आदि अवस्थाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। प्रकृति के विकास से सृष्टि और संकोचावस्था से प्रलय होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूत प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यह जो महान शून्य अर्थात आकाश है, वह सब भी प्रकृति के ही भीतर है। इस तरह प्राकृत रूप ब्रह्मांड अथवा पाद विभूति के स्वरूप का अच्छी तरह वर्णन किया गया। गिरिराज कुमारी, अब त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम व्योम के बीच में विरजा नाम की नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदांगों के स्वेद जनित जल से प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पार में परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद विभूतिमय सनातन, अमृत, शाश्वत, नित्य एवं अनंत परम धाम है। वह शुद्ध, सत्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परब्रह्म का धाम है। उसका तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्नियों के समान है। वह धाम अविनाशी, सर्ववेदमय, शुद्ध, सब प्रकार के प्रलय से रहित, परिमाण शून्य, कभी जीर्ण न होने वाला, नित्य, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, ब्रह्मानंदमय, सुख से परिपूर्ण, न्यूनता अधिकता तथा आदि अंत से शून्य, शुभ, तेजस्वी होने के कारण अत्यंत अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा आनंद का सागर है। श्री विष्णु का वह परम पद ऐसे ही गुणों से युक्त है। उसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जहां जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही श्री हरि का परम धाम है। श्री विष्णु का वह परम धाम नित्य, शाश्वत एवं अच्युत है। 100 करोड़ कल्पों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्री हरि के उस पद का वर्णन नहीं कर सकते, जहां अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात परमेश्वर श्री विष्णु विराजमान हैं। उसकी महिमा को वे स्वयं ही जानते हैं। जो अविनाशी पद है, जिसकी महिमा का वेदों में गूढ़ रूप से वर्णन है तथा जिसमें संपूर्ण देवता और लोक स्थित हैं, उसे जो नहीं जानता, वह केवल ऋचाओं का पाठ करके क्या करेगा। जो उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष समभाव से स्थित होते हैं। श्री विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी पुरुष सदा देखते हैं। वह अक्षर, शाश्वत, नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्याणकारी नाम से युक्त भगवान विष्णु के उस परम धाम अर्थात गोलोक में बड़े सींगों वाली गौएं रहती हैं तथा वहां की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। गौओं तथा पीने योग्य सुखदायक पदार्थों से उस परम धाम की बड़ी शोभा होती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान, अंधकार से परे, ज्योतिर्मय एवं अच्युत अविनाशी पद है। श्री विष्णु के उस परम धाम को ही मोक्ष कहते हैं। वहां जीव बंधन से मुक्त होकर अपने लिए सुखकर पद को प्राप्त होते हैं। वहां जाने पर जीव पुनः इस लोक में नहीं लौटते, इसीलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षर, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परम व्योम, सर्वोत्कृष्ट पद,
तथा सनातन पद ये अविनाशी परम धाम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन करूंगा।